लाखों दिलों की धड़कन फैसल कुरैशी। फैसल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, आपने इनवाइट किया। ऐसे आंख उठा के मुझे लाखों दिलों की धड़कन ना तो आप हैं लाखों दिलों की धड़कन। थक गए? नहीं, बहुत कुछ हो रहा है। हाँ, लेकिन टू मच एक्शन। हाँ, टू मच एक्शन, पर ये काम ऐसा है जिससे आप थक नहीं सकते। अच्छा? तबियत थोड़ी सी सही नहीं है, वो अलग बात है, वायरल है। हाँ, बट जनरली, लेकिन जनरली नहीं, अभी भी उतना ही पैशनेट हूँ जितना पहले दिन था। पैशन की बात नहीं हो रही। हाँ, बट यू माशाल्लाह डूइंग अ लॉट, आई मीन यू हैव नो टाइम। हाँ, लेकिन इसका मतलब है थोड़ी कि आप थक जाएं, ये तो आपका शौक है। इश्क में कोई थक जाता है क्या? आया, तो उसको हम चार्ज कैसे रखते हैं? यार बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी कुछ पढ़ के, कभी कुछ देख के, कभी कहीं बात करके, कभी स्टेज शो देख लिया, कभी टीवी पे कुछ देख लिया, कभी फिल्म्स देख ली। तो यू कीप रिफ्रेशिंग। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एवरी डे इज़ अ न्यू डे, आई बिलीव हर दिन एक नया दिन होता है। तो आप ये कह ही नहीं सकते कि यार मैं वही कर रहा हूँ जो कल कर रहा था, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आई मीन इवन अगर मॉर्निंग शो भी है तो बिल्कुल कुछ और मजा। बिल्कुल, आ रहा है बिल्कुल, कोई नया मजा है। हर रोज कुछ ना कुछ होता है। मॉर्निंग शो का फायदा सबसे बड़ा ये है कि मैं रूट्स के बहुत करीब आ गया हूँ। मैं रियलिटी के, हाँ रियलिटी के बड़े करीब आ गया हूँ। मैं जो रूट कॉजेज हैं वो मुझे समझ आनी शुरू हो गई हैं, अदरवाइज मैं तो बड़ा फैंटेसी में रहने वाला आदमी। यू नो, होपलेस रोमांटिक, होपलेस मतलब आंसू आंसू और फौरन के यार, मतलब ऐसा ऐसा ही है और ऐसा ऐसा ही रहेगा। सेंसिटिव हूँ शायद थोड़ा। हाँ, बट रोमांस इज एवरीथिंग फॉर यू। हाँ, मेरे लिए हर चीज़ में रोमांस है। सो वो सेंसिटिविटी की वजह से वो चीज़। किस चीज़ में रोमांस? अपने काम में, अपनी फैमिली में। ये टर्म आपके ऊपर फिर मुनासिब बिल्कुल जाती है, कुछ काम किया, कुछ प्यार किया है। बहुत काम किया, बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया। हाँ। फिल्म क्वेश्चन मार्क, क्या हो रहा है? ताली दो वो। अच्छा, हाँ नहीं, मगर उसके अलावा हम तो ताली दे दें यार। मैंने तालियां क्यों नहीं? मैं बहुत सारे स्क्रिप्ट्स पढ़ता रहा और देखता रहा, बहस भी होती रही कुछ लोगों के साथ, आठ आठ दस दस सिटिंग्स भी हुई। बिल्कुल फाइनल हम उस पे लूप पे आ गए कि बस अब ये अगले महीने से शूट करना है, दो महीने के बाद शूट करना है। लेकिन जब फाइनल स्क्रिप्ट सामने आता था, जब मैं सुनता था, तो वो बैठ ही नहीं रहा दिमाग में, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस शायद लोगों की मुझसे बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं बड़ा डरता हूँ इस बात। आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है कि मैं बहुत कोई हट के चीज़ करूँगा। यार अब मैं क्या करूँ, मतलब 2,500 से ऊपर मैं ड्रामे कर चुका हूँ अब तक। हाँ, लोग मुझे हर तरह के 2,500 ड्रामे एंड माइनस द वंस जो वो घर पे करते हैं। अच्छा, सो लोग मुझे हर तरह के कैरेक्टर में देख चुके हैं, मतलब औरत भी बन गया, तो नेगेटिव रोल भी कर लिया, तो एग्रेसिव भी कर लिया, तो हर तरह का कैरेक्टर, रोमांटिक भी। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि लोग अगर मुझसे रिलेट करते हैं और वो मुझे देखना चाहते हैं, तो वो उस फैसले को देखें जिसको उन्होंने छोटी स्क्रीन पर ना देखा हो। और मेरी सेकेंड इनिंग है, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है कि You've done films, by the way. Yes, I've done 19 films. Yes, 2,500 ड्रामे हो चुके हैं, लेकिन maybe you need to be just effortless के सही है, because you've done everything. क्योंकि आपने सब कुछ कर लिया, क्या आपको लगता है कि you just need to let go? And because एक साहब का कहना ही है कि it's very difficult to work with Faysal Quraishi. He's done everything. मैं क्या ऑफर करूँ उसको? Is that a problem? So Maybe you need to let go effortless के, अच्छा चलो मैं बिल्कुल बेसिक कैरेक्टर करूंगा, बताओ मुझे। अच्छा, बेसिक कैरेक्टर लिखी भी बुरी है। बेसिक कैरेक्टर करने पे मसला ये आता है कि मुझे बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। क्यों? जो कि जाहिर सी बात है, वो लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते। अब वो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे किए हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, ये कुछ उल्टा काम करेगा तो सही लगेगा। सब्ज परी लाल कबूतर टाइप या हाँ, मतलब सारे, इवन बशर, हाँ, या आप रंग लागा की भी बात कर लें, आप रोग की भी बात कर लें, आप बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं जिसमें बिल्कुल एक ऑफ बीट कैरेक्टर है। इवन अभी खालिश आ रहा है, लोग मुझे कहते हैं कि आप वाकई पागल हैं या आप ये पागलों की एक्टिंग आपको पसंद है, तो मैं बड़ा हंसता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई पता नहीं, मैं तो मुझे खुद नहीं पता कि एक्टिंग क्या होती है, मैं तो वो कर रहा होता हूँ जो कैरेक्टर कह रहा होता है। सो जो कैरेक्टर कह रहा होता है मैं वो कर रहा होता हूँ, सीधी सी बात। सो फिल्म is happening, I know it is happening, लेकिन आपने खुद थोड़ा सा उसको जरा वो किया हुआ कि यार let me enjoy what I'm doing, right?
Exactly. You just don't want to do anything. Desperation nahi hai. Ani, main matlab ye nahi kehta. You're not desperate. No, I'm not desperate. Matlab film for the sake of film karni hai. Film aa gayi, film aa gayi, film aa gayi. To us chakkar mein aap dekhenge ki wo bahut sari filmein aa gayi aur chali gayi. To wo nahi karna. Okay. हाँ वो नहीं करना है कि फिल्म आ गई फिल्म आ गई. मतलब इस वक्त अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हमारी इंडस्ट्री में बहुत कम रेशो आया है जिसमें लोग कहते हैं कि हाँ यार वो फिल्म बहुत अच्छी है या वो फिल्म बहुत अच्छी है. बाकी अगर जनरली बात करें लास्ट ईयर 15 फिल्में थी. दो फिल्म चली. सिर्फ दो फिल्म चली. दो चली पंजाब एंड एनएमए. हाँ सो बाकी और अब पर्ची थोड़ी सी एक वो. हाँ जो नए जनरेशन के स्टार्स हैं उनके बारे में आपका क्या तासुरात है? कुछ तो मुझे बहुत पसंद है यार. अभी पर्ची में फैजान और अहमद. वेरी प्रॉमिसिंग. अहमद अली तो क्या बात. क्या बात. लाजवाब भाई. अहमद अली आप बहुत कमाल हैं. हमें बहुत पसंद है. ठीक है आप अगर बिल्लो देख लें बिल्लो हाय उसमें कोने में बेचारे को डांस करवाया. हाँ. लेकिन आपकी नजर इधर उधर नहीं जाती. निडर एक्टर. ठीक है और फैजान से भी डांस नहीं करवाया इन्होंने. अमेजिंग डांसर. फिर उसके बाद अपना क्या कहते हैं आप देखें फिरोज जिस तरह से सामने आ रहा है. फिरोज खान. बिल्कुल. हाँ अभी ड्रामे में जितना वो उसने अभी खानी में बड़ा लाजवाब उड़ा के रख दिया. एक लड़का पूरा प्ले चला रहा है एज अपोज टू अ लड़की. ठीक है ना. ही इज रनिंग द एंटायर शो. बाकी बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और स्क्रीन पे रुकते हैं. अभी मैंने वो देखी मान जाओ ना हाजरा यामीन. आई थिंक शी हैव डन अ ग्रेट जॉब. थिएटर एक्ट्रेस अगेन. थिएटर एक्ट्रेस अली. अली रिजवी इन छुपन छुपाई. हाँ. ये एक्साइटिंग स्टार्स हैं. बिल्कुल. बाकी मैं मेरी लिस्ट और आपकी लिस्ट में बड़ा फर्क है. मेरी लिस्ट इंस्टाग्राम के हिसाब से चल रही है. आप टैलेंट पे जा रहे हैं. अच्छा इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं टैलेंट पे. नहीं आप टैलेंट पे रहिए. मैं टैलेंट पे रहता हूँ. बाकी फहद है मुहिब है ये मंझे हुए हैं. ये जूनियर्स नहीं है. मतलब इनको भी माशाल्लाह 10-10 साल से ऊपर हो गए हैं काम करते हुए. तो ये उस कैटेगरी में नहीं आते. बट ऑब्वियसली दे आर माई फेवरेट. ये तो आपको पता ही. वेरी नाइस. वेरी नाइस. फीमेल को एक्टर्स यू जब आपको पता लगता है कि ये है एंड यू आर डिलाइटेड टू वर्क विद देम एवरी टाइम. एंड फीमेल एक्टर्स मे बी जिनके साथ काम किया हो या जिनके साथ कोई ख्वाहिश नहीं काम करने की. शुड आई टॉक अबाउट दैट. हाँ बहुत एटीट्यूड वाली लड़कियाँ आजकल पता नहीं वो एक एक्सप्रेशन आ गया है और मुंह पे तो इतने मीठे होते हैं. और लेकिन मुंह के मसल हिलते हैं. नहीं तो पता नहीं क्यों. क्या लगा रही हैं. टाइम लगा रही हैं. अच्छा तो वो समझ में नहीं आता. लेकिन हाँ जैसे मैं बड़ा मिस करता हूँ मैं सवेरा के साथ जो मैंने क्या लाजवाब एक्ट्रेस है काम सवेरा नदीम. यू ब्रिलियंट. We love you. मैं बड़ा मिस करता हूँ नादो के साथ. बड़ा मिस करता हूँ काम. नादिया जमील माय माय गुड फ्रेंड. सानिया. सानिया समिया के साथ आई हैव डन 2-3 सीरियल्स. मेरी ख्वाहिश है उनके साथ काम करना. समिया मुमताज. आई वंडरफुल. आई वांट वंडरफुल. मैं क्या करूं कि उनके साथ काम. एफर्टलेस. ओहो एंड शी जस्ट बिकम्स दैट कैरेक्टर. अच्छा सवेरा बड़ी वैसे मैं तुम्हें बताऊं बहुत डेंजरस है. अच्छा. हां कंपटीशन देती है. कंपटीशन ऐसा आपको पता ही नहीं चलता कि कर क्या रही है. और नई लड़कियां नहीं देती. नहीं नई लड़कियों में कुछ लड़कियां हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं. मसलन आई हैव डन रिसेंटली वर्क विद मदिया. मदिया इमाम. हाँ, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं. बहुत अच्छा काम कर रही हैं. उसमें कोई शक नहीं है. बाकी क्योंकि उसको मैंने देखा वो वाली परवाह नहीं है कि लाइनर खराब हो गया है तो ये हो गया है तो वो हो गया है तो फलां हो गया है. सरवत बड़े दिल से काम करने लगी है. बड़ी डेप्थ आ गई है उसके अंदर अब. बाकी मैंने जिन जिन के काम देखे हैं उनमें बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं. इत्तेफाक से रिसेंटली मैं चूंकि इतना काम नहीं कर रहा तो इस वजह से मुझे इतना पता नहीं है. लेकिन यह है कि देखो अच्छे और कम अच्छे लोग आते हैं. लेकिन यह है कि वो रहता वही है जो बहुत मेहनत कर रहा होता है. बाकी इंस्टाग्राम ने तो बहुत सौ को चढ़ाया. बहुत चढ़ाया. प्रोडक्शन हाउस. हाँ जोरों पे धनाधन फायरिंग के लिए तैयार है. उसके बारे में कुछ हमें थोड़ा सा बताएं. यार मुश्किल पंगा ले लिया. प्रोड्यूस करना मुश्किल है. बहुत मुश्किल है. इट्स अ बिग रिस्पांसिबिलिटी. सीरियसली आई मीन चैनल के चक्कर काटने हैं. स्क्रिप्ट के चक्कर हैं. राइटर से मीटिंग. चैनल के चक्कर. वाह वाह क्या बात है. ठीक है.
हाँ, फिर कंटेंट डिपार्टमेंट, कंटेंट डिपार्टमेंट, फिर आप सोचें कि आप एक कंटेंट लेके जाते हैं और आपको सामने से एक लड़की जो डाइजेस्ट पढ़ती है वो कह देती है कि नहीं इसमें ना तलाक नहीं है कोई, 18 से 22 साल की, हाँ तो इसमें ना दो तलाकें डाल दें आप पहले एपिसोड में, पहले, हाँ पहले एपिसोड में, तो आप शक्ल देख रहे होते हैं कि मतलब अच्छा, इज दैट सैड, वेरी सैड यार, टूटता है बिल्कुल, बिकॉज कौन है ये, नॉट दैट कि हम उस बच्ची को कुछ कह रहे हैं, मगर उसको जिसने बोला है, लेकिन राजू मैं पता है मैं एक बात कहता हूँ, मुझे कोई हैरानी नहीं है इस बात पे, इसकी वजह ये है कि जिस जमाने में पहले लोग टीवी देखा करते थे या जिन घरों में टीवी होता था वो बड़े पढ़ने वाले लोग थे, हाँ मेरी ये बात बहुत लोगों को बुरी लगेगी, पढ़े लिखे लोग थे, लेट्स बी ऑनेस्ट, पढ़े लिखे लोग थे जो उस तरह का टीवी देखना चाहते थे, तो बजिया जैसे लोग टीवी देखते थे, या अशफाक अहमद या बानू कुदसिया या अनवर मकसूद, इनकी बात आपको आधी बात भी समझ आ जाती थी, ठीक है अशफाक साहब, हाँ क्या बात, और क्या क्या लिखा है इन्होंने, मतलब बजिया ने तो खैर लोगों कहीं पहुंच, लोग फातिमा सुरैया भजिया तक नहीं पहुंच, मतलब मैं ये कहता हूँ आज के दौर में कोई ये रिस्क लेगा कि वो अजायब खाना बना दे, अफशा बना ले, अफशा बना ले, 13 बड़े स्टार्स थे उस टाइम के उसमें, और आपको कहीं फील नहीं हुआ कि उसमें स्टार्स शाइन उस तरह कर रहे हैं, कहानी की इंपॉर्टेंस थी, सो और 13 किस्ते, तो अब ये हुआ कि टीवी जो है वो एक आम सी चीज हो गई, मीटर्स भी पता नहीं कहाँ लग गए जो कि हमें समझ में नहीं आता है, घरों में लगे हुए, पता नहीं कौन से आपके किसी रिश्तेदार के घर लगे हुए, मेरे घर में 3 है मीटर, 2 हैं गैस और पान रेटिंग वाले मीटर, वो हम ढूंढेंगे घर में अपने, अच्छा सो वो पता नहीं कहाँ लगे हुए जिनसे रेटिंग्स आती हैं, जिनसे लोग ये कहते हैं कि 1200-1500 मीटर्स के ऊपर लोग कहते हैं कि ये ड्रामा हिट है और ये ड्रामा फ्लॉप है, और लोग ये देखना चाहते हैं और ये नहीं देखना चाहते, जिंदगी कहाँ है, और 2019 क्या कहानी चल रही है, एक पंगा ले रहा हूँ जो मैंने 4 साल पहले लिया था जिसका नाम था बशर, उसकी तैयारियां कर रहा हूँ, उसके अलावा एक फिल्म है जिस पे काम कर रहा हूँ, बशर मोमिन इज कमिंग बैक एज बशर मोमिन 2, कांग्रेचुलेशन, लेकिन अभी सबर, अभी हौला, सबर, हौला, क्योंकि उससे पहले एक और सीरियल है, फिर कुछ हम ब्रांड के चक्कर में लगे हुए हैं, चाहे वो किस दिन ही क्यों ना हो, किस दिन मेरा विवाह होगा, उसको भी वापस लेकर आ रहे हैं, फिल्म पे भी काम हो रहा है, 2 फिल्म्स हैं, एक तो मैं खुद प्रोड्यूस कर रहा हूँ, डायरेक्ट मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं वो कर रहे हैं उससे, उस बारे में बात नहीं करते, ठीक है, और एक मेरे और बड़े प्यारे दोस्त हैं वो फिल्म प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और डायरेक्ट भी कर रहे हैं, वो मुझे समझ आ गई है, तो ये 2 फिल्में मुझे इस साल समझ आई, वेरी नाइस, सो वी शुड बी एक्साइटेड, हाँ फैसल कुरैशी इस साल 2 फिल्म कर रहे हैं, बी वेयर, हाँ पता नहीं, मैं आपको एक लफ्ज बताऊंगा, इस लफ्ज का सवाल बता दीजिए, या इस लफ्ज़ के कोई कोई सेंटेंस, कोई कोई जुमला मुझे बना दीजिए कि क्या है आपके लिए, क्या मतलब उसका रखता है, या किसी का नाम लिया या कुछ लिया तो उससे आप क्या सवाल करना चाहेंगे, डिपेंड करता है लफ्ज़ पे, और फिर आप उसका सेंटेंस क्या होंगे, सो मीरा तुम इंग्लिश क्यों बोलती हो, रीमा बहुत काइंड हार्टेड है यार, शी इज, आई मीन यार मुझे बड़ी लंबी तकरीर हो जाएगी रीमा पे, एक जुमला चाहिए हमें, एक जुमला, रीमा प्रॉपर नंबर 1 एक्ट्रेस ऑफ पाकिस्तान, लव ऑल आई नीड, दैट्स ऑल यू नीड, यस, सोशल मीडिया कनेक्शन, जस्ट कनेक्शन, फैसल कुरैशी तुक्का लगा हुआ है, काम कर रहा है, दिस इज अ हम्बल स्टार, फैसल कुरैशी थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द मीटअप, और इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी किसी फिल्म के सेट पर, इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू, वॉचिंग द मीटअप विद मी सोहेल जावेद एंड फैसल कुरैशी, बाय बाय.